कुदरती नज़ारियां दा ये सुहापन देख के एक बार मूहों वाह वाह शब्द निकलना लाजमी है। पर मनुख किन्ना बेरहम है कि वह कुदरत दे सिर सजी इन्हां खूबसूरत नज़ारियां दी तस्वीर उपर भी वह अपने वालों कालख मलन की कोई कसर बाकी नहीं छड़दा। बरतानिया विच लॉकडाउन ढिल्लां बारे ऐलान होण तों बाद लोकां विच इउं हफड़ा दफड़ी का माहौल देखण नूं मिलिया जिमें कैद विचों छुटे हों। कल गर्मी वाला दिन सी ते लोग समुद्री तटां वल नूं वाहुदाही हो तुरे। देश दे सिहत सकत्तर नूं मजबूरन धमकी भरे लहजे च कहना पिया कि जेकर लोग ना सुधरे तां उह इन्हां स्थानां नूं बंद करन लई मजबूर होणगे। बर्नमथ दे एमपी वल्लों अपने बयान विच कहा गया सी कि डोरसेट बीच ते आउण वालियां दी गिणती लगभग 5 लाख सी। इन्नी वड्डी गिणती विच आए लोग करोना वायरस महामारी नूं भुल के एक दूजे विच इउं बजदे फिर रहे सन जिवें खुद करोना का खात्मा करके बीच ते जश्न मनाउण आए होण। इस तों अगे दी तस्वीर ते जानकारी आप सब लई हैरानी भरी होवेगी कि लखां दी तादाद विच आए लोगों ने कुदरती नज़ारियां नूं पलीत करन दी कोई कसर नहीं छड्डी। दूर दराडियों आए लोग एक दिन विच ही 41 टन गंदगी खिलार के आपो अपने घरां नूं परत गए। 33 टन गंदगी बीते कल इकट्ठी की गई सी जबकि बाकी 8 टन अज इकट्ठी की गई। बेशक महामारी कारण मनुख दे अंदर बढ़ के बैठ जाण उपरंत कुदरत ने सुख का सह लिया सी पर ज्यों ही मनुख बाहर निकलिया अपना गंद पाउण वाला अमल मुड़ शुरू कर लिया। लोकां वल्लों प्लास्टिक दे बैग दारू बीयर दियां खाली बोतलां कैना पिकनिक मनाउण आए छड्डिया वाधू समान अंबारां दे रूप विच समुद्री तटां नूं बदसूरत बना रहा सी। धरती ते सब तों सियाणी दसी जांदी मनुखा प्रजाति लई इस तों वधेरे शर्मनाक गल की हो सकती है कि इन्हां समुद्री तटां ते मनुखी मल मूत्र रूपी गंदगी कारण स्थानक नेड़ले इलाकियां दे लोग सैलानियां दीआं करतूतां नूं कोस रहे हन। बेशक उक्त गंदगी तां फिर भी साफ कर दित्ती जाएगी पर सोचना बनता है कि सभ्यक दसे जाते समाज के लोगों वालों खिलारिया गंद अणजाण पुणे विच वायरस की लाग कारण मौत दे मूँह च पता नहीं किन्नियां कनूं पा सकता है। मौज मस्ती करन आए लोग तां एक दिन बिता के तुरदे बने पर सफाई कामियां ते वलंटियरां नूं लोगों वालों पाया गंद साफ करन विच 48 घंटे जरूर लग गए।